रिविजन कंपटेटिव क्लास उर्फ राय सुमिल एरियन के चक्रवर्ती उर्फ डिसूजा के पापा आपका स्वागत करता है करता रहेगा। और आज का टॉपिक है अवध। क्या है अवध? अब देखिए हिस्ट्री में अवध है और उसके बाद करना हैदराबाद और कर्नाटक उसके बाद मैसूर। इसको मैप में देखेंगे कि अवध देखिए यूपी में पड़ता है या फॉरवर्ड। यहाँ देखिए हैदराबाद है उसके बाद यह देखिए कर्नाटक। अब कर्नाटक किधर है? लेकिन पहले कर्नाटक किधर थे? मैसूर यहाँ है, मराठा यहाँ है, सीख यहाँ है, ये दिल्ली देखिए यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे दिल्ली है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको अवध को अवध जो है 1722 में आपका मुगल सम्राट से अलग हुआ था और उसका संस्थापक कौन है? शहादत का। कौन है? शहादत का। तो इसके अभी बताए एग्जाम्पल की एग्जाम्पल की कहानी। नादिर शाह जब आया था अवध का आक्रमण करने तो यहाँ शहादत का बोला था कि आप मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, वहाँ ढेर सारा सोना चांदी मिल जाएगा। तो वो जो है से चला गया दिल्ली पर आक्रमण करे और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद बहुत सारा सोना चांदी मिला तो उसको लगा कि हम जैसे कुछ शहादत खा को दे देते हैं 2-4% 10%। तो लौट करके आ रहा था देने और शहादत का जब दूर से ही देखा कि उसका सेना का टुकड़ी चलते आ रहा है अवध की ओर, इसको लगा कि शायद कुछ हाथ नहीं लगा होगा, नहीं मिला होगा, इसलिए ये आएगा और हमें हत्या करेगा, इसलिए आत्महत्या कर लिया। क्योंकि दूसरे के हाथ से मरने से अच्छा है कि अपने हाथ से मर ले। और जब यहाँ पे नादिर शाह पहुँचा जब उसे परिवार से पूछा कि शहादत का कहाँ है तो बोला कि आपके डर से शहादत का हत्या कर लिए। और वो बेचारे बहुत अफसोस किया नादिर शाह और फिर जो है वहाँ से लौट गया। तो अभी हो गया कि 1722 में अवध की स्थापना शहादत का किए। अंतिम जो है वाजिद अली खान शासक था और उन्हीं के पत्नी बेगम हजरत महल जो इस पे अंग्रेज जो है से उस पे क्या आरोप लगाया कि आप जो है से शासन बढ़िया से नहीं चला रहे हैं, जनता आपसे परेशान है। तो इसके वजह से उन्होंने जो है से कहा कि बेगम हजरत महल से साम्राज्य को छीन लिया और छीनने के बाद अंग्रेज अपना साम्राज्य में मिला लिया। और फिर वहाँ से बेगम हजरत महल यहाँ देखिए अवध से यहाँ जो है कुछ कर जाती है नेपाल और नेपाल चली जाती है। और नेपाल जाने के बाद वहाँ पे उनको कुछ समय बाद उनको मृत्यु हो जाती है। चलिए तो अवध को देख लिए हम लोग, अब आते हैं हैदराबाद। कहाँ से? हैदराबाद। तो हैदराबाद सबसे पहले मैप में देखेंगे यहाँ है हैदराबाद। अगर इसमें देखेंगे तो ये वाला जो देखते हैं ये वाला पार्ट हैदराबाद का, जो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट जो है हैदराबाद। अब हैदराबाद ये देखिए स्थापना करता है उसका निजाम उल मुल्क। क्या क्या सभी तो बोले निजाम उल मुल्क यही जो ऐसे स्थापना करते हैं या फिर चिंटली क्या बोलते हैं। ऐसे ऐसे कहानी बहुत सारे अलग से बताएंगे क्योंकि आप देखते होंगे कि हैदराबाद को हैदराबाद जो है अंग्रेज के डर से किस तरह नतमस्तक हो जाते हैं और पहले ही उसको अधीनता स्वीकार करती है और कुछ अपना साम्राज्य का भाग भी अंग्रेज को दे देती है। तो आप देखिए उसके बाद आते हैं कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। अब कर्नाटक में देखिए पहले यहाँ था इस साइड तो कर्नाटक की स्थापना करता है सदाफुल्ला खा। कौन करते हैं? कौन करते हैं? सदाफुल्ला खा। अब देखिए फिर यही में आपका जो है बहुत जिसका भी अलग कहानी है लेकिन प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध देखिए होता है 1746 से 1748। कब हुआ था? आवाज नहीं निकल रहा है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 49 से 54। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1763 में। अब आते हैं मैसूर में। मैसूर देखिए यहाँ पे था। कहाँ पे? यहाँ पे। अब मैसूर 1755 में स्थापना करते हैं वो कहते हैं हैदर अली। कौन करते हैं? हैदर अली। और हैदर अली इसका देखिए अपना बंदरगाह भी था और आप जो इस समय देख रहे हैं कि
केरल रोल है। यहाँ पे काली मिर्च नारियल वगैरह बहुत सारे यहाँ पे होते। तो अंग्रेज जो है सबसे पहले इसको इन सब तो जीता नहीं और जीतने के लिए सोच ही रहा था, लेकिन इसको ध्यान था आपको सबसे पहले कि मैसूर को जीत ले। किसको जीत ले? किसको? मैसूर को। और मैसूर के पास आने के बाद के जब मैसूर के जब जीतना होता है तो 1755 में स्थापना करता है हैदर अली, और यहीं पे प्रथम युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद कि अंग्रेज बहुत सारा चलाक था, वो कहा किया कि हैदराबाद कर्नाटक मराठा को कुछ कुछ दे करके प्रलोभन और मिला लिया था, क्योंकि उसका काम ही था फूट डालो और शासन करो, फूट डालो शासन करो। जब इस बात को अगर मैसूर के शासक हैदर अली को पता चला तो फिर ये भी जो है ऐसे कार किए कि बगल गिर सब जो है इनका कुछ साम्राज्य कुछ पैसा कौड़ी दे करके और आपस में मिला लेते हैं। अंग्रेज कहता है कि तो हमसे भी चलाक निकला, लेकिन फिर भी युद्ध होती है और इसमें जो हैदर अली प्लस अंग्रेज किसके बीच ये सुनित रहे हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें आपको हैदर अली जीत जाता है, जीत जाते हैं और अंग्रेज हार जाता है। हारने के बाद जो संधि होती है, कौन सी होती है? संधि होती है। तो वो जो है से राजगद्दी पर बैठते हैं कुर्सी पर, और अंग्रेज जो है से नीचे बैठते हैं धुआं में। अब इस चीज को अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, और फिर जो है से उसको लगता है कि एक हैदर अली जो अनपढ़ व्यक्ति आज जैसे कुर्सी पर बैठा हुआ है और हमको भुइया में बैठने पड़ रहा है। फिर इस संधि को क्या करता है, संधि तो हो जाती है, फिर आगे चल के संधि को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद फिर युद्ध का ऐलान कर देता है। वही जो ऐसे दूसरा युद्ध होता है कब? 1780। इसमें नहीं है कि ये वाला है, ये वाला जीता हुआ लिखा हुआ है। यह देखिए दूसरा होता है 80 से 84 में, देखिए आंग्ल मैसूर जो इसमें देखिए इसमें आप लोग गवर्नर कौन था? कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें हैदर अली के मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेज मार देता है इनको, जैसे अपने आप मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद लेकिन देखिए लोग क्या कहता है कि बांस में बांस नहीं फूटता है, ऐसा थोड़े है कि लहर फूट जाएगा, कच्चे फूटता है कच्चे बांस। तो टीपू सुल्तान भी अपने बाप के तरह हैदर अली के तरह ही, और ये जो है बाप को मृत्यु हो जाने के बाद ये किसी को भनक नहीं लगने देते हैं, या तो जनता के या सेनापति या अंग्रेज को, कि हैदर अली को मृत्यु हो गई। और युद्ध चलते रहती है, युद्ध चलते रहती है, फिर युद्ध जो है एक संधि के तहत समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद फिर देखिए तीसरा संधि युद्ध होता है 1790 से 1792 में। ये तृतीय होता है जिसमें कॉर्नवालिस गवर्नर रहता है अंग्रेज के तरफ से, और यहीं पे जो है टीपू और प्लस अंग्रेज के बीच में, और फिर एक संधि के तहत समाप्त होती है। और इस संधि में ये टीपू के जो ना बहुत बेइज्जती के साथ इनको संधि किया जाता है, मतलब कि ऐसा संधि होता है जो इससे एकदम नाखुश रहते हैं और गलामी महसूस होते हैं। कौची करते हैं? गलामी महसूस, बोलिए गलामी महसूस करते हैं, और अंदरे अंदरे घुटन महसूस होती है। फिर आगे चल करके फिर इस संधि को तोड़ देते हैं टीपू सुल्तान, और तोड़ने के बाद चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध होती है। और चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और यही जैसे देखिए पहला में जैसे गवर्नर नहीं पूछता है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा में पूछता है गवर्नर का नाम। अब तीसरा में देखे इसका कुछ वारेन हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस बेलेजी, यहीं पे ट्रिक एक हो गया बकवे, कौन से बकवे? बकवे बस से वारेन हेस्टिंग्स, कर से कॉर्नवालिस, और बे से बेलेजी, बे से बेलेजी। तो तीनों की याद रखेंगे दूसरा तीसरा चौथा में। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।